वेलकम बैक टू सिक्स अ कैरियर जॉब्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म। दोस्तों, ये एडवर्टीजमेंट आया है असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2021, जो कि रामानुजन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से जो है ये वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की। यहाँ पर सैलरी जो है वो 57,700 एंट्री लेवल, लेवल 10 जो है आपको ऑफर किया जा रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आपके पास मास्टर डिग्री है, नेट आपका क्वालिफाई है या पीएचडी डिग्री है, तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, इस नोटिफिकेशन, इस एडवर्टीजमेंट की हम आपको देने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड साथ ही साथ घंटे वाले बटन जरूर दबा दें। आप हमारे फेसबुक पेज शिक्षा कैरियर जॉब्स या हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए सबसे पहले जो है यहाँ पर वैकेंसी देख लेते हैं कि सब्जेक्ट में जो है कितनी वैकेंसी है। तो सब्जेक्ट आपका कॉमर्स में 16 वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की, कंप्यूटर साइंस में 6, इकोनॉमिक्स में 8, इंग्लिश, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, स्टेटिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, मैनेजमेंट एंड फिलोसफी में जो है यहाँ पर वैकेंसी है। सो ये जो वैकेंसी है रामानुजन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जो कि लोकेटेड है कालकाजी नई दिल्ली में। ऑनलाइन आवेदन जो है आमंत्रित किए गए हैं किस पोस्ट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। यहाँ पर आपको लेवल 10 यानी कि आपको 57,700 प्लस जितने भी भत्ते हैं वो यहाँ पर आपको सैलरी के जो है यहाँ पर आपको दी जाएगी। और लास्ट डेट क्या है, एडवर्टीजमेंट जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आया उसके 2 हफ्ते बाद तक जो है यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। ये वैकेंसी डिटेल्स है जो मैंने आपको दिखा दी। अगर हम यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन की बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो यहाँ पर जो है रेगुलेशंस जो है 2018 UGC का, उसी के अनुसार यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर मास्टर डिग्री संबंधित सब्जेक्ट में या रिलेवेंट या एलाइड सब्जेक्ट में 55% अंकों के साथ आपकी होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास नेट, चाहे वो UGC हो या CSIR नेट आपका जो है क्वालिफाई होना चाहिए, या आपके पास जो है PhD डिग्री हो तो आप जो है यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो ये पूरा क्राइटेरिया दिया हुआ है। नाउ मैनेजमेंट की अगर बात करें, मैनेजमेंट पे नॉर्मली स्टूडेंट या कैंडिडेट्स को डाउट्स होता है, तो फर्स्ट क्लास आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए बिजनेस मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन रिलेवेंट मैनेजमेंट रिलेटेड डिसिप्लिन, और फर्स्ट क्लास इन 2 ईयर फुल टाइम अगर आपने PGDM कर रखा है, ठीक है, तो ये जो है, या आपके पास फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट एंड प्रोफेशनली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट कोस्ट या वर्क अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी आप होने चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ आप यानी कि या तो आपने जो है MBA कर रखा है, PGDM कर रखा है, या आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी या वर्क अकाउंटेंट आप है, उसके साथ आपका नेट UGC और CSIR नेट जो है वो आपका होना चाहिए, ठीक है, या PhD डिग्री आपके पास होनी चाहिए। डिज़ायरेबल है टीचिंग रिसर्च एक्सपीरियंस, ठीक है, अगर आपके पास है तो ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन ये डिज़ायरेबल है, ठीक है। नाउ जर्नल इंस्ट्रक्शंस जो है यहाँ पर दिए हुए हैं तो वो आप जो है यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो है मास्टर डिग्री में 55% है, लेकिन कुछ कैटेगरीज हैं जिनको रिलैक्सेशन दिया गया है 5% है, यानी कि उनकी मास्टर डिग्री 50% अंकों के साथ होनी चाहिए, ठीक है। बैचलर्स एज वेल एज द मास्टर लेवल फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड नॉन क्रीमी लेयर एंड जो दिव्यांगजन हैं, ठीक है, उनके लिए जो है यहाँ पर मास्टर डिग्री 50% अंकों के साथ होनी चाहिए। 5% की छूट उन कैंडिडेट्स को भी दी गई है जिनकी मास्टर डिग्री 19 सितंबर 1991 से जो है पहले हो चुकी है, जिन्होंने प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें जो सिलेक्शन का प्रोसेस रहने वाला है आपका जो है यहाँ पर सिलेक्शन जो है वो API जो स्कोर होता है, जो एक पूरा इंटरव्यू स्क्रीनिंग का जो प्रोसेस है UGC का वो यहाँ पर फॉलो होगा। आवेदन फीस की बात करें तो यहाँ पर जो है अनरिजर्व अन्य पिछड़ा वर्ग EWS के लिए 500 रुपये हैं, जबकि SC ST दिव्यांगजन और वुमेन्स कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑनलाइन आवेदन आपको यहाँ पर करना है, कोई भी ऑफलाइन फॉर्म जो है यहाँ पर एक्सेप्टेड नहीं किए जाएंगे, ठीक है, एंड पेमेंट भी जो है आपको यहाँ पर ऑनलाइन ही करना है, तो ऑफलाइन का चक्कर नहीं है। मैं जो भी डिटेल्स आपको दे रहा हूँ एक बार जो है आप इसको खुद कंफर्म करें, एक बार जो है मैं वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, एंड साथ ही साथ ये नंबर्स भी दिए हुए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप लास्ट डेट या जो है जो भी आपके मन में क्वेरी है वो आप पता कर सकते हैं। अभी हम ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं रामानुजन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की। यहाँ पर एडवर्टीजमेंट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ये एडवर्टीजमेंट जो है ओपन हो जाएगा जो मैं आपको दिखा रहा था। यहाँ पर जाके खुद भी इस एडवर्टीजमेंट को जो है आप पढ़ सकते हैं, एंड यहाँ पर जो आपका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहेगा ये आपकी ऑनलाइन आवेदन वाली जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं।
अगर आप रजिस्टर्ड है पहले तो रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करना है, लॉगिन करके आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका गाइडलाइन फॉर स्क्रीनिंग शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज। तो इस प्रकार से जो है आपका ये इंटरव्यू के लिए जो है शॉर्ट लिस्टिंग हो। ग्रेजुएशन में परसेंटेज के आधार पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे, अगर 80% है वो 21 पोस्ट ग्रेजुएशन में। एमफिल के लिए अगर 60% एमफिल में है तो 7 नंबर, 55% 60 के बीच है तो 5 नंबर। पीएचडी वालों को 25 अंक अधिक जो है वेटेज दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है 100 अंकों का जो है आपका यहाँ पे जो है एकेडमिक स्कोर 84 रहेगा, रिसर्च पब्लिकेशन 6 नंबर का, टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस 10 और टोटल स्कोर 100 में से जो है इस प्रकार से आपका इंटरव्यू के लिए जो है सिलेक्शन जो है शॉर्ट लिस्टिंग आपकी होगी, ठीक है। ऑल कैंडिडेट सिक्योरिंग 60 मार्क्स एंड अबोव शैल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। और जिन कैंडिडेट्स का ये जो 100 वाला क्राइटेरिया है इसमें अगर 60 अंक प्राप्त कर लेते हैं तो उनको जो है यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका प्रोसेस रहने वाला है। इन सभी का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, वहाँ पर जाकर जो है आप पढ़ सकते हैं। चलिए, आई होप ये जो है वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।